Hello everyone, in this lecture of Digital Electronics we are going to discuss about the complements. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्स हमने कैलकुलेट किया था आर्स कॉम्प्लीमेंट आर माइनस वन्स कॉम्प्लीमेंट वो फॉर्मूले के जरिए था. अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट है. शॉर्टकट क्या है, जैसे आपको वन्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो वन्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी बाइनरी होगा अगर जीरो है तो उसको उस जीरो को आप क्या करेंगे वन्स कर देंगे, और वन रहेगा तो उसको जीरो कर देंगे. जो रिजल्ट आपको रिसीव होगा वो आपको क्या होगा, वन्स कॉम्प्लीमेंट होगा. तो हम देख सकते हैं जैसे आपको ये नंबर दिया हुआ है ये 100, तो आपको जो वैल्यू दी हुई उसको आपने क्या किया, उसको कॉम्प्लीमेंट पलट दिया, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0. तो ये जो आपका आंसर रिसीव हुआ है ये आपका हो गया वन्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब उसी तरह अगर हमको टूस कॉम्प्लीमेंट करना हो विदाउट फॉर्मूला, तो टूस कॉम्प्लीमेंट के रूल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको वन्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. आप टूस देखिए, टूस क्या है, वन से ज्यादा है एक ज्यादा है, तो आप पहले क्या कीजिए जो नंबर दिया हुआ उसका वन्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लीजिए. इसका हमने वन्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया, तो वन्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज ये जो है इसका वन्स कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या हो गई, वन को जीरो और जीरो को हमने वन कर दिया. अब इसमें हम क्या करते हैं, जो वन्स कॉम्प्लीमेंट आता है उसमें वन का एडिशन कर देते हैं, ये फॉर्मूला है. दैट इज वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें प्लस वन एडिशन कर दीजिए, प्लस वन का एडिशन कर दिया. अब जो आंसर आपको रिजल्ट रिसीव होता है ये आपका क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है, तो वन्स कर लिया, वन प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया, टू हो गया, तो आपने टूस कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, उसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को चेक करते हैं. नाउ हम कैलकुलेट करेंगे सेवन्स कॉम्प्लीमेंट एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट, तो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला. इसका स्टेप क्या होता है, जैसे वन्स और टूज आपने कर लिया सिंपल सा, वन्स को वन को जीरो, जीरो को वन में कन्वर्ट करके आपने कर दिया और उसको प्लस वन कर दिया तो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया. उसी तरह थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ सेवन्थ और एट्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको ऑक्टल नंबर जो दिया रहेगा उसको आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेवन से. सारे जो नंबर दिए होंगे ईच डिजिट को हम क्या करेंगे, सेवन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जब उसमें प्लस वन का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एट्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद, सेवन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें वन एडिशन करने से आपको एट्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो जाएगा. तो इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, थोड़ा आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी कैसे क्या करना है. जैसे आपको ये पहला नंबर दिख गया तो ये आपका डेसिमल नंबर, डेसिमल में जैसे आप सब्सट्रैक्ट करते हैं उसी तरह करना है, जो हम नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करते हैं वो डेसिमल ही होता है. तो हमको पहले क्या करना है, इसका सेवन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है. सेवन कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद इसको सेवन से ईच डिजिट को, ईच डिजिट को हम क्या करेंगे, सेवन से माइनस कर देंगे. सेवन से माइनस कर दिया ये वैल्यू आ गई, इसमें हम क्या कर देंगे वन का एडिशन कर देंगे. वन से एडिशन से आपको जो वैल्यू निकल गई वो एट्स कॉम्प्लीमेंट निकल गया. उसी तरह आप ये भी देख लीजिए, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको आपने क्या किया, उस रिजल्ट को आपने वन से एडिशन कर दिया, आपको निकल गया एट्स कॉम्प्लीमेंट. अब सेम इसी तरह आपको फिफ्टींथ कॉम्प्लीमेंट में करना है. फिफ्टीन कॉम्प्लीमेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी में, बाइनरी में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से लेके नाइन और फिर रिमेनिंग को जो डेट इज फिफ्टीन तक होता है उसको हम करते हैं ए टू एफ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सॉरी ए टू एफ, ये एफ, ए टू एफ रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो टू नाइन और ए टू एफ. तो ए टू एफ, एफ जो होता है वो आपका होता है 15. ठीक है, 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ करते हैं, और एफ की जो वैल्यू होती है वो 1111, दैट इज चारों के चारों अगर बिट्स आपके 1 होते हैं तो उसे हम कहते हैं एफ और उसकी वैल्यू होती है 15. ओके, उसी तरह हम जैसे हमको 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमको क्या करेंगे, ये 76 हुआ, 76 की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे 15 से, 15 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एफ एफ लिखेंगे. तो सिंपल से आपको देखें, क्योंकि इसमें दो डिजिट है तो एफ दो बार लिख दिया, ईच डिजिट को हम क्या करते हैं 15 से डिवाइड करते हैं, तो एफ एफ से आपका हो गया. अब देखिए थोड़ा सा एफ से तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे आप माइनस करेंगे, तो इसके लिए क्या करिए, इसको सिंपल कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत ईजी है. एफ को मैंने बताया क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, फोर टाइम वन कर दीजिए, फोर टाइम वन हो गया, ये भी फोर टाइम वन हो गया आपका. अब सेवन को आप क्या लिखते हैं, जीरो वन वन वन, और सिक्स को क्या आप लिखते हैं, जीरो वन वन जीरो. अब सिंपल सा आपस में दोनों का क्या करिए, आप एडिशन परफॉर्म कर दीजिए, सॉरी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर दीजिए, दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए तो आंसर क्या होगा, वन वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन जीरो में से वन, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन से वन. तो ये देखिए वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी अरे ये देखिए इससे वैल्यू 1 माइनस वन इक्वल टू जीरो, 1 माइनस वन इक्वल टू जीरो,
वन मीन्स वन, तो ये देखिए वन जीरो, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखना रहा हो तो ये वैल्यू आंसर आया है 1001, ठीक है। तो इस 1000 को हम लिखते हैं 8 और 1001 को लिखते हैं हम 9, तो हम जब FF से 76 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 और 9। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ही आपको 15th कॉम्प्लीमेंट देखिए टोटल आपका 16th कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट इज हेक्साडेसिमल तो 16 ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं जब भी उससे एक कम को कैलकुलेट करते हैं और जब उस पूरे को कैलकुलेट करना होता है उसमें प्लस वन का एडिशन करते हैं, और इसको 15th को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जो नंबर दिया रहेगा उसको 15 में से माइनस कर देंगे, जैसे इसमें 77 से माइनस किए तो वैसे इसमें 15 से माइनस करें, 15 को हम लिखते हैं एफ, तो ये F का एक डिजिट के लिए दूसरे डिजिट के लिए F हो गया, तो ईच डिजिट को हम F से माइनस कर देंगे। F को लिखने के लिए हम इसको क्या लिख दिए, बाइनरी में 111 कर दिया, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करके सब्सट्रैक्शन कर दिया, सब्सट्रैक्शन से वैल्यू आ गई 89, तो ये 89 ही आपका क्या हो जाएगा 15th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और 15th कॉम्प्लीमेंट जो आ गया आपका उसमें आप क्या करोगे 1 का एडिशन कर दोगे, तो अब जो आएगा आपका वो 16th कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो आपने ये देख सकते हो कि हम चाहे दोनों मेथड से करते हैं, आप अगर ये माइनस करने वाला दैट इज 15 से माइनस 7 से माइनस करने वाला मेथड कर लीजिए या r से r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट वाला कर लीजिए, दोनों की दोनों वैल्यू जो आपकी आएगी वो आपकी सेम ही होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इनको करके आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इन न्यूमेरिकल्स को आप अपने खुद से सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद यू विल वेरीफाई, यू विल बी कंफर्म दैट इस तरह इसको सॉल्व करना है आपको। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इज हम लोग कैसे 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's, 7's, 8's, 15th, 16th कॉम्प्लीमेंट बिना फॉर्मूले के यूज किए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये हमने कॉम्प्लीमेंट दैट इज हमने कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना हमने देखा है, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द सब्सट्रैक्शन यूजिंग द आर्स कॉम्प्लीमेंट। अब हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे आर्स कॉम्प्लीमेंट के जरिए, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया था, कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन दो नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा अभी तक हमने सब्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं किया था। सब्सट्रैक्शन बाइनरी वाला हमने देखा था, वैसा सब्सट्रैक्शन छोड़ के हमको उसको कन्वर्ट करना होता है, जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो कॉम्प्लीमेंट करके परफॉर्म करता है। तो कॉम्प्लीमेंट के जरिए आप कैसे परफॉर्म करोगे सब्सट्रैक्शन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर्स का मतलब क्या होगा, दैट इज डेसिमल, बाइनरी डेसिमल में दैट इज 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16, तो ये आपके आर्स कॉम्प्लीमेंट हो गए। और आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट के जरिए क्या, दैट इज 9, 1, 7, 15, ये आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे ये यूजिंग द आर्स कॉम्प्लीमेंट, टिल देन एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा, सो दैट एवरीथिंग वुड बी क्लियर फॉर यू। Okay.